सब्सक्राइब टू राकेश टेक वर्ल्ड एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राकेश टेक वर्ल्ड। मैं हूँ राकेश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो में जो हार्ड डिस्क होती है उसका पार्टीशन कैसे किया जाए। तो स्टार्टिंग में जो हम न्यू लैपटॉप खरीदते हैं या न्यू कंप्यूटर खरीदते हैं उस केस में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ड्राइव होता है, लेकिन बाद में हमें उसमें पार्टीशन करना होता है। तो इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि हम पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। एक पार्टीशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, एक और आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी मीन्स कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना होगा और उसमें मैनेज पर जाना होगा। मैनेज पर आप जैसे ही जाएंगे आपको डिस्क मैनेजमेंट पर जाना होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। डिस्क मैनेजमेंट पर जाने के बाद आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्क्रीन पर जाने के बाद अगर आपको सी ड्राइव में से पार्टीशन करना है तो सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए या जो भी करना हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे सी ड्राइव आपका यहाँ दिख रहा है 455 GB, तो 455 GB ये सी ड्राइव है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, क्वेरिंग श्रिंक स्पेस समथिंग आ रहा है, यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करने को बोल रहा है। तो ये हार्ड डिस्क का जो भी वॉल्यूम है थोड़ा श्रिंक कर रहा है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करके पूरा जो भी स्पेस है वो हमें दिखा देगा। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी हाँ, ये ओपन होके आ गया है हमारे पास और जो टोटल अवेलेबल स्पेस हमें दिखा रहा है वो 221717 MB करके है। टोटल बिफोर श्रिंक का हमारा जो है साइज ऊपर है 466844 MB और साइज फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस इतना है समथिंग। तो अभी आपको जितना करना है एक बार कैलकुलेशन बैठा लें। मान लो हमें 200 GB करना है, तो 200 GB इंटू 1024 कुछ इतना बैठ के आ रहा है हमारे पास। तो मान लो हम 200 GB को ही श्रिंक कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 204800। जी हाँ, ये इतना हमारा 200 GB है, ये श्रिंक हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है थोड़ी। अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक कर दिया तो उस केस में क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है वो करप्ट हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, इसमें बहुत ही केयरफुली तरीके से काम करना होगा, आपकी विंडो तक उड़ सकती है इस केस में। अब ये हमारा 200 GB अनएलोकेटेड स्पेस दिखाया है इसने। अगर हम बात करें सी ड्राइव की, सी ड्राइव हमारा 255 GB यहाँ पर आ गया है जो कि 450 GB समथिंग था पहले, और हमने श्रिंक करने के बाद 200 GB अनएलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है अभी। अब इस अनएलोकेटेड स्पेस को हम न्यू सिंपल वॉल्यूम करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। न्यू सिंपल वॉल्यूम में हमें एक ही ड्राइव बनाना है इसे। अभी अगर इसे ज्यादा में डिवाइड करना होता तो हम इसे कम कर सकते थे। अगर आपको इसे एक में ही पार्टीशन करना है तो आप टोटल को एज सच रहने दीजिए, इसे चेंज मत कीजिए। अब इसे नेक्स्ट कीजिए। अब ये यहाँ पर आपको ड्राइव दिखा देगा कि आपको कौन सी ड्राइव चाहिए। जी ड्राइव दिखा रहा है तो जी को बाय डिफॉल्ट रहने देता हूं मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पर वॉल्यूम लेबल करके दिखा रहा है, अगर आप इसको कुछ नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। अभी
मैं इसे कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट कर दे रहा हूँ एंड फिनिश। तो ये 200 GB है, ये हमारा यहाँ पर दिखा दिया है इसने जी ड्राइव में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे और इसे अगर हम माई कंप्यूटर पर चेक करते हैं तो जी ड्राइव हमारे यहाँ पास यहाँ पर दिखा रहा है 199 GB स्पेस। तो दोस्तों ये था आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन, जो कि बहुत ही इजी है। होप आप लोगों को अब ये आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कम बैक विद सच टाइप ऑफ मोर टेक्निकल वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।